जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया है। तो यह अधिसूचित किया गया है मदुरै जिले में स्थित अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। ठीक है, किसको किया गया है? मदुरै जिले में स्थित अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। ठीक है, ये क्या है? ये अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, यदि हम बात करें जैव विविधता का क्या मतलब होता है, तो वह स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक साथ रहते हैं उसे कहा जाता है जैव विविधता। तो इसको क्यों शामिल किया गया इसमें? यहाँ पे 250 से ज्यादा प्रकार की पक्षियां एक साथ रहती हैं, इसलिए इसको जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया। अगर बात करें जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 2002 में। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर, ठीक, आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है? तो यह यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है वहां पे आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की गई है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, कैनबरा यहाँ की राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के जो PM है वो है स्टॉक मॉरिसन। ठीक, स्टॉक मॉरिसन यहाँ के क्या है? PM है। और सिडनी क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, सिडनी क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। ठीक है, कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय खोला गया। ये सबके लिए खुला है। ठीक है, यहाँ आम आदमी भी जा सकता है। अगर बात करें अमेरिका की, यहाँ की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। ठीक है, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC है। और इस समय यहाँ के राष्ट्रपति क्या है? जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है, और अमेरिका ने क्या किया? भारत के इसरो के साथ एक समझौता किया है कि जब आप अपना चंद्रयान 3 ले जाएंगे तो हमारा एक उपकरण लेके जाइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है, तो किया है अग्निकुल कॉस्मास प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। ठीक है, ये भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि रॉकेट लॉन्च करने का काम करेगी। ठीक है, इसका अपना लॉन्च पैड भी है जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, तो अग्निकुल कॉस्मास प्राइवेट लिमिटेड ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया जिसका नाम है अग्निलेट। ठीक है, ये एक रॉकेट है। ठीक है, इसके अंदर जो इंजन लगा है वो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है, तो उसका केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए। ठीक है, SCO मतलब होता है शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो इसका केंद्रीय विषय क्या है? एक सुरक्षित SCO के लिए। यदि बात करें हम SCO की, इसकी स्थापना कब होती है? 2001 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई तब कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे कुल 6। ठीक है, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार कुल 6 सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। लेकिन 2016 में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस समय कुल कितने देश इसमें शामिल है? 8 देश। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक, इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किसे भारत किस ठीक है यहाँ किसे नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा किस भारतीय को बाट और माप की अंतरराष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया? ये चुना गया प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। ठीक है, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को बाट और माप की अंतरराष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया। सी अचलेंद्र रेड्डी ये जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष कौन है? अचलेंद्र रेड्डी। अनिल कुमार लाहोटी कौन है? ये रेलवे बोर्ड के
वर्तमान में सीईओ और अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहोटी और पंकज त्रिपाठी के ओन है। ये भारतीय चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आयकर, ठीक है, पंकज त्रिपाठी कौन है, जो भारतीय चुनाव आयोग है, भारत चुनाव आयोग है, उसके राष्ट्रीय आयकर है पंकज त्रिपाठी। और राजीव कुमार कौन है, राजीव कुमार इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप अग्निकुल का समास द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, ये किया गया श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, ठीक है, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में देश का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है। और स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मास के द्वारा एक 3D प्रिंटेड इंजन बनाया गया है, रॉकेट इंजन बनाया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है कि 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई, ठीक है, ये IIT मद्रास के बच्चों के द्वारा किया गया, ठीक है। जो फार्मूला 1 में कारें चलती हैं वो काफी तेज चलती हैं, ठीक है, अब तक उसमें फ्यूल का उपयोग किया जाता है, लेकिन IIT मद्रास के बच्चों ने इसमें इलेक्ट्रिक का यूज करके उसी स्पीड से चलाया है, ठीक है। और IIT मद्रास के बच्चों ने एक और चीज बनाया है सिंधुजा 1, ठीक है, सिंधुजा 1। इसका काम क्या है, ये जो समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक है, वेव उठती हैं, इस वेव का उपयोग करके यहाँ पे बिजली बनाई जाएगी सिंधुजा 1 का उपयोग करके। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया है, तो ये भागे थे बांग्लादेश से, ठीक है, ये जो 270 आदिवासी भागे थे वो चीन कुकी समुदाय के थे, कहाँ से भागे, बांग्लादेश से, कहाँ की सरकार ने इसको इनको आश्रय दिया है, तो मिजोरम सरकार ने इनको आश्रय दिया है, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें, यहाँ की राजधानी क्या है, ढाका है, यहाँ की मुद्रा क्या है, टका है, ठीक है, यहाँ के जो PM है शेख हसीना है, शेख हसीना है, साथ में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ओ अब्दुल हमीद है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम क्या है, तो ये थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, थीम का नाम क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है, ये रूपरेखा प्रस्तुत की गई 4 वर्षीय, ठीक है, 4 वर्षीय, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के तटीय हिस्से के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है, ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के जो तटीय हिस्से हैं, ठीक है, जो तटीय हिस्से हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2050 तक डूब जाएंगे, ठीक है। और महाराष्ट्र के बारे में एक चीज जानने लायक और है कि महाराष्ट्र सरकार ने अलग से दिव्यांग विभाग बनाया, ठीक है, दिव्यांग विभाग बनाने वाला देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जो वहां के दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाया महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है 2050 तक उसकी जो तटवर्ती है, ठीक है, हिस्से हैं वो अरब सागर में डूब जाएंगे। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में भारत किस अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है, ठीक है, ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मैक करके एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, उसमें नवंबर 2022 में भारत भी शामिल हो गया है। और इसकी जो स्थापना है ये COP 27 में इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया और UAE के द्वारा किया गया था, ठीक है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसकी स्थापना COP 27 में इंडोनेशिया और UAE के द्वारा किया गया था, और नवंबर 2022 में भारत भी इसका हिस्सा बन गया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, यदि आपका कोई सलाह हो उसे भी आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। तो चलिए कल आपसे फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।